अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर सचिवालय में मंत्री टीकाराम जूली के सानिध्य में राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण व सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने कहा कि दिव्यांगों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। दिव्यांग जनों की बात करें तो अवनी लेखरा, सुधा चंद्रन जैसे अनेक ऐसे प्रतिभाएं हैं जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है। ऐसे में दिव्यांगजनों की प्रतिभाओं को नकारा नहीं जा सकता। समारोह के दौरान दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरण किया गया। आपको बता दें, सामाजिक न्याय विभाग एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि 2011-12 में हमारी सरकार के समय दिव्यांगजनों के लिए निदेशालय की स्थापना की गई। ऐसे में कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि जिन दिव्यांगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है उन्हें योजनाओं का लाभ मिले। और कहा कि मेरे भी पोलियो हुआ था, मैं भी दिव्यांग हूँ, हालांकि मेरा उपचार हुआ और 75% रिकवर हो गया। इसलिए दिव्यांगजनों को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मंत्री जूली ने कहा कि प्रदेश में 2000 दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरित की जाएगी। भी आ रहे हैं, अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी आ रहे हैं, तो उसी समय सारा ई मित्र भी गांव के अंदर जा रहा है, तो वहीं पे सारे काम एक साथ हो सकते हैं। जो जिस काम के लिए दिव्यांग को हेडक्वार्टर पे आना पड़ता है वो उसको जाने की जरूरत नहीं है और वहीं पे हो सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, अब भी कई ऐसे दिव्यांगजन हैं, विशेष योगजन हैं, जो शारीरिक अस्वस्थता के कारण कहीं पहुंच नहीं सकते हैं, जानकारी नहीं है, या उनके आधार पे उनके थंब इम्प्रेशन नहीं आते हैं, आयरिस नहीं आते हैं, तो उनके जनाधार कार्ड नहीं बन पाते हैं, तो ऐसे को हम आज चिन्हित कर सकते हैं। अधिकारी अपने सामने वेरीफाई कर सकता है, उसको डर नहीं लगेगा, हाँ वाकई में मैं सही काम कर रहा हूँ, तो वहीं वेरीफिकेशन हो जाए, वहीं पर चिन्हित हो जाए, वहीं अप्लाई हो जाए, वहीं पर उसको लाभ मिल जाए, तो इससे अच्छा मौका मिल नहीं सकता। इसलिए मैंने ये निर्देश सभी अधिकारी